तो गाइस राइड स्टार्ट करते हैं अपन। और अच्छी खासी लाइन लंबी हो चुकी है राइडिंग की। अभी वो ने ऋषभ भैया कैसे हो, राइड कैसी रही? सपोगेशन इतनी जोरदार हो रही है हेलमेट में कि मेरे को बार बार वाइजर को ऑफ करना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रोड सजेस्ट BBR। आज जो अपन ने राइड प्लान की थी लास्ट वाली राइड में आपको पता ही चला होगा कि पहले कैंसिल हो गई, तो फाइनली आज ये स्टार्ट होने वाली है और अपन इसको आगे एंजॉय करते हैं। तो गाइस राइड स्टार्ट करते हैं अपन माता जी को याद करके। जय माता दी। और राइडर्स अपने दो ग्रुप में बढ़ चुके थे क्योंकि एक ग्रुप खड़ा हुआ है अपना रिलायंस मॉल के बाहर और अपन सब खड़े हुए थे सोनी ऑटोमोबाइल्स। और पुलकित भैया अर्चित भैया इधर ही वेट कर रहे हैं अपना और एक दो और उनके साथ है। अब मेरे को पता नहीं है कौन है लेकिन है। बाइक सारी अपोजिट साइड में खड़ी हुई है जो कि इनको करना चाहिए था इधर। पुलकित भैया बस बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे ज्वाइन करते हुए हाँ निकलते हैं। चलो ऋषभ भैया। और अच्छी खासी गैदरिंग हो चुकी है, जितना एक्सेप्ट किया उससे ज्यादा ही है। इन सबको क्या है एक जगह पे आना था, अब एक जगह पे नहीं आए तो वो जो रूल्स थे वो जो फॉलो कर रहे हैं वो बस शोरूम वाले हैं, बाकी सब आउट ऑफ चल रहे हैं। कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन दो तीन बाइक्स अलग आ चुकी है और सब दोस्ती है, किसको मना करें यार। और इस राइड के अंदर अपन ने एज ए रोड मास्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सबको लाइन में लेके चल रहे हैं। ये देखो
सभी राइडर का भी अच्छे लाइन से चल रहा है। और पीछे आ रही है राइट साइड में जिनोसो, और कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण मतलब आधे पीछे रह गए और आधे आगे चल रहे हैं, मतलब ग्रुप ही दो हिस्सों में हो चुका है। रीजन क्योंकि आधे बंदे आए थे अपने रिलायंस मॉल और आधे बंदे आए थे सीधे सोनी ऑटोमोबाइल, तो जो वहाँ के थे वो बंदे लाइन टू लाइन चल रहे हैं लेकिन बाकी के बंदे पीछे हो गए। अब यही दिक्कत होती है कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं जब अपन टी ब्रेक लेंगे, वहाँ से अपन सबको एक बार वापस साथ में लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या रहता है। और साथ पे चल रहे हैं अपने पुलकित भैया CBR650 वाले, और पीछे आ रहे हैं अर्चित भैया G900। लाइम नाइट तो यही ले जाती है दोनों। वैसे आज दोनों थोड़े से परेशान भी होंगे क्योंकि यह गाड़ी आज भगानी नहीं है, तो लाइन से चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भगा के फिर वापस लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि अपन ने अभी स्पीड मेंटेन कर रखी है सबके लिए कि भाई ग्रीन प्लाजा तक 60-80 की स्पीड पर चलना है, और फिर आगे ग्रीन प्लाजा से स्पीड को इंक्रीज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अरे आओ रे आओ यार, क्या धीरे धीरे आ रहे हो। चित्तौड़गढ़ एक शॉर्ट राइड ही है, मुश्किल से 50 किलोमीटर, 50-60, मांडल से 70 होगा मे बी। तो वो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, इसीलिए जो भी ज़्यादातर राइड करते हैं वो चित्तौड़गढ़ ले लेते हैं, फिर ऊपर से हिस्टोरिक पैलेस है तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है, अच्छा खासा मज़ा आ जाता है। अब देखो फिर से उनकी लाइनें ब्रेक हो गई, यही सबसे बड़ी दिक्कत है यार, इतना समझाओ तो वापस लाइन को ऐसे वैसे कर लेते हैं। और फर्स्ट टी ब्रेक के लिए अपन यहाँ पर रुकेंगे ग्रीन प्लाजा, फिर यहाँ से आगे का देखेंगे क्या रहता है सीन। आधे बंदे आगे भाग गए, आधे बंदे पीछे रह गए, वो उनको पता नहीं था, जो रिलायंस मॉल खड़े हुए थे वो आगे चले गए, बाकी सब सही जगह पर आए। ग्रीन प्लाजा से नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया अपना, और अभी अपन वहाँ से निकले और उनको थोड़ा पकड़ने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा भगा लेते हैं 120-140 में भी, या फिर 120 लास्ट रहेगा क्योंकि वो तो सामने आ गए। और अभी ब्रीफिंग की है अपन ने ताकि सबको बता दिया, कोई एक दूसरे को कंपेयर नहीं करे क्योंकि अर्चित भैया और पुलकित भैया से ये जो नए नए राइडर्स हैं वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पास यार जेट है और तुम लोगों के पास मतलब चॉपर है, तो वैसे ही चलना पड़ेगा ना। अभी थोड़ा मामला सिस्टमेटिक हो गया है और अभी सब अच्छे से चल रहा है, तो यही है कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करोगे तभी अच्छे से ग्रुप चलेगा, बाकी इतने बड़े ग्रुप में मज़ा नहीं रहेगा। मज़ा इन द सेंस कि कोई किधर जा रहा है कौन किधर जा रहा है, फिर उसको हैंडल करना थोड़ा भारी पड़ जाता है इसलिए।
और अभी हो गया है माहौल एकदम शानदार, पूरी लाइन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है और अच्छा खासा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा है। और अब लग रहा है कि कोई राइड जा रही है। एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहन रखा, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करें। Was amazing. हर्षित भैया और पुलकित भैया उस उकसा रहे हैं सभी राइडर्स को, और फिर बेचारे ये नए नए राइडर्स हैं तो इनको भी थोड़ी सी छटपटाहट मचती है, तो फटाफट उठने की कोशिश करते हैं। और चित्तौड़गढ़ के काफी करीब आ चुके हैं अपन। ये मैं भी हाईवे से जाएंगे आगे से, तो वहां से वापस मतलब अंदर ले लेंगे लेफ्ट साइड। और मौसम काफी शानदार हो रहा है अभी, मौसम का तो क्या ही कहना। ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट टाइम अपन जब 360 लेके आए थे तो अपना माइक सही से काम नहीं कर रहा था, तो अपन माइक्रोफोन को फिर हटा के ऐसे रिकॉर्डिंग की, तो फिर वो ब्लॉग अपन ने डाला ही नहीं था। और ये वही मतलब जगह है जहाँ पे अपन फर्स्ट टाइम मतलब नकुल और अक्षत इनके साथ आए थे, वो फर्स्ट राइड थी इनके साथ अपनी। अक्षत के साथ हो गई थी, लेकिन अक्षत का जो ग्रुप था उसके साथ अपनी ये फर्स्ट राइड थी, तो उस टाइम पे फिर अपन ने वीडियो डाला ही नहीं क्योंकि आवाज़ अच्छी नहीं थी उसके अंदर। तो अभी हालात बदल गए और सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है अभी। और फाइनली चित्तौड़गढ़ सिटी के लिए अपन घूम गए, ब्रिज से नीचे आ गए अपन और लेफ्ट लेके अब चित्तौड़गढ़ सिटी के लिए रोड पकड़ ली। और यहाँ से चित्तौड़गढ़ सिटी है 7 किलोमीटर और पोर्ट है 12 किलोमीटर। You'll be talking about